अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आप सबको तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। और ये बहुत ही टाइट, बहुत ही हार्ड कॉन्करर लॉबी थी। और गाइस, मैं ना मतलब आपको बताया, फ़न के लिए रैंक पुश नहीं कर रहा था इस सीज़न, फ़न के लिए खेल रहा था। और लाइक ना, फ़न में खेलते खेलते ना मेरा ना 3 स्टार 4 स्टार चला गया था मिडिल ईस्ट में। तो मैंने कहा ट्राई करता हूँ, क्या पता एंड के दिनों में मेरा कॉन्करर टच हो जाए। तो मैं भी जोर लगा रहा हूँ कॉन्करर पुश करने के लिए। ये उसी वही वाला गेम प्ले था जब मैं थोड़ा सा जोर लगा रहा था कॉन्करर पुश करने के लिए। और अभी मेरा रैंक है ना, वो चल रहा है पूरे सर्वर में टॉप 3500 के अंडर ना, लाइक टॉप 4000 में हूँ अभी मैं। और ट्राई करूँगा कि मैं टॉप 500 में आके कॉन्करर ले लूँ। तो बड़ा जोर लगा रहा हूँ। ये गेम प्ले भी उसी दौरान का था जब मैं जोर लगा रहा था भाई कॉन्करर के लिए। तो आपको बताएंगे हमने कैसे सर्वाइव किया, जंप किया था अपार्टमेंट में। उससे पहले हम आपको सुनाएंगे बाबा जी सस्ती शायरी के। अर्ज़ किया है, बहादुर कैसे बनोगे तुम पबजी में डरते डरते, वाह 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 वाह। बहादुर कैसे बनोगे तुम पबजी में डरते डरते, हम जाते हैं कॉन्करर कैंपिंग करते करते, सस्ती शायरी विद द नॉनी मस बाबा जी। तो लाइक वाकई में अगर आपको कॉन्करर जाना है तो आपको कैंपिंग करके ही खेलना पड़ता है, और बहुत होल्ड करके खेलना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, शुरू में सेफ उतरा, अब सर्वाइविंग पॉइंट्स पूरे किए, और एंड में जाके ना 2 4 5 6 7 जितने किल हो जाएं उतना अच्छा। तो इसमें तो हमारे के लिए 10+ चले गए थे, और क्या मजे का गेम प्ले हुआ था। तो हमने कहा ये अब पब्लिक को दिखाना चाहिए। अपार्टमेंट उतरा था गाइस, इसलिए अगर यहाँ पे गन फाइट भी होती तो आपके पास एटलीस्ट चांस होता है फॉल बैक का, और लाइक इतने ज़्यादा रूम्स होते ना कि आपके पास चांस होता है सर्वाइव करने का। तो मैं इसलिए अपार्टमेंट आया था। और आप लोग भी ना अगर रैंक पुश कर रहे हो ना, तो जाया करो जॉर्जो की बड़ी वाली सिटी यासना, या ऐसी सिटीज़ जहाँ पर रश नहीं होता, जहाँ पे अगर दो टीम्स भी हों तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फॉल बैक करने में, तो ऐसी सिटीज़ जाया करो। अभी मेरी टीम मेरी टीम में टॉप लेन थी ना, तो मैं इसलिए स्कूल के अपार्टमेंट आया, वरना हम लोग कहीं दूर जाते। उसके बाद गाइस हमने रोटेट कर दिया स्कूल की तरफ, और यहाँ हो जाता है हम पे रश। तो बाबा जी अरबी आए हुए थे इसमें, तौंतर थे अरबी आए हुए थे, इन दोनों को तो हमने नॉक एंड फिनिश किया। अब हम मज़े से करेंगे थोड़ी सी इनकी लूट, और मेडकिट यूज़ करेंगे। ये लोग गए शायद से उतरे थे रोज़क, और रोज़क के बाद ये लोग यहाँ पे पुश कर रहे थे। और एकदम मैं सच में बताऊँ, ज़िंदगी खतरे में आ गई थी। अब आपको बता दूँ यहाँ पे होता क्या गाइस, अगर मैं मर जाता हूँ ना जल्दी तो माइनस होते हैं 30 40 35, इतने माइनस होते हैं। और अगर मैं सेकंड आता हूँ 5 6 किल के साथ, तो पता है मेरे कितने प्लस होते हैं, 4 5 6 मिडिल ईस्ट में ना बहुत कम प्लस होते हैं। और अगर हम 5 6 किल के साथ चिकन करते हैं तो 19 20 21 ऐसे प्लस हो रहे हैं मेरे, बहुत कम पॉइंट्स प्लस हो रहे हैं। तो बड़ा जोर लगने वाला है कॉन्करर के लिए, अगर हो गया तो भाई मज़े आ जाएंगे। तो लाइक वो इफेक्ट वगैरह मिलेगा, फ्रेम मिल जाएगा, और तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बस आप सबकी दुआएं चाहिए। तो बाबा जी अब इनका आखिरी बंदा ये आया था, इसको भी हमने यहाँ पे नॉक एंड फिनिश किया। और उसके बाद अब आपको सबसे ज़रूरी होती है आपके पास गाड़ी होना। अब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हमारे पास नहीं थी गाड़ी, गाड़ी पास से गुजरती है, इसलिए हम स्प्रे देते हैं। बट कोई भी बंदा डाउन नहीं होता बाबा जी। और उसके बाद ना गाइस, अब मैं जा रहा था सिटी वाली साइड पे, वाटर सिटी वाली साइड पे, क्योंकि वाटर सिटी के सामने जो गैराज होता है ना, मेरा था प्लान कि वहाँ से जाके गाड़ी उठाते हैं। और 22 अलाइव थे, और अभी तक मेरे 4 किल हुए थे। और लेकिन ऐसा आपको लग रहा होगा कि कितने कम अलाइव रह गए, लेकिन नहीं, जो लास्ट सर्कल होता है ना कॉन्करर वालों का, जिसमें ये रैंक पुश कर रहे होते हैं सब भाई, गाइस एकदम ख़तरनाक होता है। और आप देखोगे कि एक घर में 3 3 टीम्स आगे होने वाली हैं, ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो अब मैं आ गया था यहाँ पे, और यहाँ पे ना मुझे लाइक बंदा स्पॉट होता है कि स्क्वाड हाउस की विंडो से कि स्क्वाड हाउस में बंदा है। तो मैंने टीममेट को बोलता हूँ भाई क्लोज आ जाओ। और इसमें ना मैं क्या कर रहा था, अपने टीममेट को ना लाइक एज अ बेट यूज़ कर रहा था। लाइक आप लोग क्या किया करो, जिसका स्प्रे अच्छा है ना आपकी स्क्वाड में, टॉप का स्प्रे जिसका, जो बहुत अच्छा स्प्रे करता है, उसको बोलो कि भाई तू पीछे से कवर दे और हम लोग जाते हैं। जैसे अब मैं स्प्रे कर लेता हूँ अपने टीममेट से, थोड़ा सा बेटर, बहुत अच्छा स्प्रे है उनका भी, बट मैं उनको बोला भाई जाओ आप लोग, आप आगे जाओ और मैं पीछे से कवर दूंगा। तो मैं यही काम कर रहा था, उनको जाने दिया, और आगे जाके फिर वो नेड वगैरह करके विंडो से मेरे को कवर देंगे। तो हम ऐसे ही, जब गाड़ी नहीं थी तो एक एक करके जा रहे थे, अगर आप एक साथ जाओगे तो दोनों जो है ना वो कचरा कीमा बना देंगे एनिमीज आपका। फिर हम लोग क्लोज पहुँचे, और ये पाकिस्तानी स्क्वाड था जो कि रैंक पुश कर रहा था, और क्या लेवल की कैंपिंग कर रहे थे गाइस ये लोग, ये हमारे पाकिस्तानी भाई लोग। एक स्क्वाड में देखो फुटप्रिंट एक बंदे का आ रहा है, ठीक है। और अभी आप देखना सही कि कैंपिंग लेवल 99969 होगा यहाँ पे। ये एक, ये दो, वो देखो तीसरा,
ओके तो 2 का किल मुझे मिलता है, तीसरा किल ये टीममेट के पास चला जाता है, उनको हम करेंगे यहाँ पे फिनिश बाबा जी। और अब मज़े से करेंगे इनके लूट, इनका आखिरी बंदा पता नहीं कहाँ था। ये लोग भी बेचारे रैंक पुश कर रहे थे और इनका भी शायद कम प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, बट हम लोग भी रैंक पुश कर रहे हैं तो भाई माफ़ कर देना अगर आप हमारी पब्लिक में से हो तो। और फिर हमने यहाँ से इनकी की लूट उजी उठा रखी थी मैंने, और M4 आपने पीछे देखा होगा कि M24 छोड़ दी, वो इसलिए क्योंकि मैं क्लोज रेंज में लाइक इस मैच में क्लोज रेंज वाला काम कर रहा था, AR यूज़ कर रहा था, और जो टीममेट थी उनको स्नाइपर दे रखी थी क्योंकि हम लोगों ने किसी भी हाल में क्लोज रेंज फाइट जीतनी थी। फिर कैसे हम पे आ जाते हैं, गाड़ी हमारे पास दोबारा नहीं होती। अब सामने बंदे बैठे थे और यहाँ पे 3 स्क्वाड हैं गाइस, अब ये बेचारे यहाँ पे फाइट ले रहे थे, मैंने स्प्रे दिया लो हुआ लेकिन वो आगे भी नहीं जा सकते, वहाँ पे भी बंदे हैं और पीछे से मैं मार रहा हूँ, तो वो बेचारे दोनों साइड से फंस चुके हैं, उनको आगे भी पड़ रही थी और पीछे भी पड़ रही थी। यहाँ पे एक नॉक किया, फिर टीममेट को बोला भाई इसका किल कंफर्म करो कैसे भी करके, एक एक किल बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ भैया को किया फिनिश, अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और अभी भी एकदम आप देख सकते हो ओपन एरिया है, स्मोक ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करके रखो जब आप रैंक पुश कर रहे हो, ओपन एरिया था तो ये बेचारा पता नहीं, इसको आइडिया नहीं था कि इस बेचारे को ज़रा आइडिया नहीं था कि हम लोग ना थोड़ा आगे आ चुके हैं, ये हमारे पुरानी वाली लोकेशन पे ऊपर चढ़ के देख रहा था बट बेचारे को नहीं आइडिया था हम आगे आ चुके हैं। तो उसके बाद अब मैंने मार्क किया कि वहाँ से मुझे कवर दो आप, और मैं ना एकदम लेफ्ट से फ्लैंक करके आगे जाता हूँ क्योंकि क्योंकि आगे ना करीब करीब बंदे थे तो मैं AR लेके आगे जाना चाहता था। टीममेट को बोला भाई आप स्नाइपर से मुझे कवर दो और उसके बाद मैं वहाँ जाके स्मोक वॉल्स बनाता हूँ, आप आगे आ जाना। जो गाइस घर है ना वहाँ पर बंदे हैं और सामने जो स्क्वाड्स वाली साइड है वहाँ पे भी एक स्क्वाड है, ये सब एक जगह आने वाले हैं और एक घर में 3 टीम्स की जब लड़ाई होगी ना आप देख के आराम जाओगे कि बाबा जी हमने निकाल कैसे लिया, वहाँ पे जिंदगी खतरे में आ जाएगी एकदम। और फिर जब हमें सामने जाना था तो हमने स्मोक वॉल्स बनाए क्योंकि आप देख सकते हो जोन हमसे 26 मीटर दूर था और आगे 2 टीम्स बैठी हैं, तो हम ऐसे भागेंगे ना हमारा कीमा कबाड़ा बन जाएगा बाबा जी। तो हमने स्मोक वॉल्स बना दी, जितने ज़्यादा स्मोक में कर सकता था मैंने किया, उसके बाद एक मैंने बचा लिया सेव कर लिया और उसके बाद हम लोग भग के पास पहुँच गए वेयर हाउस। अब वेयर हाउस वाले बंदा भी रिवाइव हो गया था और वो लोग पीछे जा चुके थे और उसके बाद हमने थोड़ा सा क्लोज इन किया। गाइज एक बात आप यहाँ पे मेरी बड़ी गौर से सुनना, अगर आप स्क्वाड उसकी HP आके ऐसे TP पे लेते हो जैसे मैं ले रहा हूँ और वहाँ पे आप अगर आप स्पॉट हो जाते हो तो वापस से वहाँ पे मत रुको, थोड़ी देर के लिए पीछे आ जाओ। और वो क्यों, क्योंकि जब आप वहाँ पे रुकोगे तो आपको देख लेंगे और वहाँ पे देखने के बाद जब अच्छी लॉबी होगी आपके ऊपर नेट की हो जाएगी बरसात बाबा जी, तो पीछे आ जाओ। उसके बाद मैंने बूस्ट कर लिया और जब जोन हम पे आने वाला था मैंने बोला भाई सामने ना इतने स्मोक कर दो कि एनिमी को नज़र ही ना आए कुछ, और फिर हमने यही काम किया, बहुत ज़्यादा स्मोक वॉल्स बना दी। उसके बाद जब जोन करीब आने लगा तब हमने स्मोक में कर दिया एंटर और नेट वगैरह कर रहा था मैं कि एक नॉक दे दूँ ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए हमारे लिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं बाबा जी। और अब देखोगे कितने ज़्यादा फुटप्रिंट, कितने ज़्यादा साउंड आ रहे थे, पता नहीं बस कैसे निकाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा बच गए हम। और फिर बस जब जोन करीब आता तो हम घुस जाते हैं अंदर, ये वाला घर गया जोन में था तो ऊपर बंदे थे और नीचे वाली साइड पे बंदे आ गए थे तो मैं इस साइड पे रुक जाता हूँ, किचन था आई गेस ये। तो बाबा जी यहाँ पे खिचड़ी बन गई थी 3 टीम्स की, 2 आपस में लड़ रही थी उसमें हम भी रगड़े गए थे, बट मैंने थोड़ी सी अकल इस्तेमाल ऐसे की कि मैं बाहर चला गया और वहाँ जाके मैंने किल भी चोरी किए और बाबा जी मौत को छुआ और टक से वापस आ गए अकल इस्तेमाल करते। और फिर यहाँ पे जो हमें लूट मिली, और कैसे आप देख सकते हो सर्कल है लाइक स्नैक्स वाला, तो अब उजी का जो मैंने मुझे नहीं लग रहा था इस्तेमाल नहीं मतलब नहीं था उजी का, और ऊपर से मेरे पास एमओ भी नहीं थी तो यहाँ पे मैं M24 उठा ली साथ में ATX उठा लिया क्योंकि मेरे पास उजी की एमओ भी नहीं बची थी। और यहाँ से भाई गाइज एक क्लच आने वाला है आगे जाके और ऐसा ख़तरनाक क्लच है ना वो, तो इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे दोनों पे डालूंगा, जिंदगी खतरे में आ गई थी सच में वहाँ पे। तो फिर गाइज हम लोग यहाँ से निकलते हैं और HP आ जाते हैं, इनकी गाड़ी हमने उठा ली थी। अभी देखो गाइज गाड़ी बहुत ज़रूरी होती है, बेशक आप लोग फर्स्ट सर्कल में हो या बेशक आप लोग लास्ट सर्कल में, जब तक गाड़ी यूज़ कर सकते हो करो, उसके हेल्प ले लो। तो हमने उसके बाद यही काम किया, हम लोग गाड़ी में निकलेंगे, अगर पैदल निकलते तो एक स्क्वाड पूरा बचा हुआ है पाकिस्तानी, वो हमारे पे ऐसा गंदा स्प्रे मारेगा ना कबाड़ा हो जाता हमारा। तो हमने अपनी गधा गाड़ी उठाई और गाइस हम फौरन से जाएंगे, जब ऊपर जाने लगा मैं यहाँ पे यहाँ से शॉर्ट्स पड़ते हैं हमें गंदे वाले, और फिर मैं मूव करके चला जाता हूँ गाइस आगे वाली साइड पे, और यहाँ पे हम लोग गाड़ी रोक के हमें बूस्टर मारना पड़ेगा क्योंकि वो लोग हमें स्पॉट कर चुके हैं, बहुत ही गंदा स्प्रे दिया था और हमारी पोजीशन जो एकदम रिवील हो चुकी है। लेकिन हमें लगा गाइस अब बंदे आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, अब यहाँ पे भी हम थर्ड पार्टी होने वाले हैं, गंदे वाली सैंडविच होने वाले हैं बहुत बुरे वाला। तो ड्रॉप के पीछे मुझे कोई स्पॉट नज़र नहीं आया तो मैं समझ गया कि मुझे वहाँ नहीं रुकना चाहिए, पीछे आया थोड़ा सा यहाँ पे लेट के हम लोग प्रोन होके
एडलिन मार लेंगे क्योंकि वो डेफिनेटली चार बंदे से तो हम पे रश करेंगे। और उसके बाद गैस अभी मेरे टीममेट को पीछे से शॉट पड़ जाती है, तो यहाँ पे हम हो गए थे गंदे वाले सैंडविच। आगे भी बंदे पीछे भी बंदे, वो कहते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई, जाएँ तो कहाँ जाएँ, वो वाला सीन हो गया था गैस हमारा। फिर मैं यहाँ पे स्मोक वॉल्स बना दी कि कैसे भी करके अपनी टीममेट को बचाऊं, क्योंकि गैस कभी भी रैंक पुश कर रहे हो अपने किसी टीममेट को खो मत, अगर आप बचा सकते हो ना उसको बचाओ। हाँ अगर नहीं बचा सकते तो उसके पीछे अपनी कुर्बानी मत दो, बट हाँ अगर बचा सकते हो ना तो कोशिश करके बचा लो, क्योंकि लाइक 3v4 बहुत एडवांटेज होता है 4 वाली टीम को। तो उसके बाद पीछे वाले बंदे को स्पॉट करने के लिए आया और ये मुझे स्पॉट नहीं हुआ, उसने पहले स्प्रे देना शुरू किया, उसने मुझे देख लिया था। उस बंदे ने मुझे पहले देखा था तो उसने डैमेज भी पहले दिया और मैं नॉक भी इसकी वजह से हो गया, क्योंकि उसने पहले स्पॉट किया था और वो पूरी कोशिश कर रहा था मुझे फिनिश करने की। और दूसरी साइड से जो चार बंदे की पाकिस्तानी टीम थी वो भी रश कर रहे थे और यहाँ पे गए एकदम ज़िंदगी ना खतरे में आ चुकी थी। फिर मैं यहाँ पे आके रिवाइव लिया और बस दुआ कर रहा था कि वो पीछे वाले बंदे और ये पाकिस्तानी बंदे आपस में लड़ें और मुझे इतने टाइम मिल जाए कि मैं हील कर सकूं। फिर मैंने टीममेट को बोला भाई आप गेट पे बैठ जाओ और कुछ भी करके ना बस मुझे हील करने तक का टाइम दे दो। फिर उन्होंने यही किया, ये बैठ गई और लाइक देख रहे थे कि कुछ आए जितना टाइम मिल जाए। पहले बंदे ने नॉक किया लेकिन मुझे इतना टाइम मिल गया कि मैं हील कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर देख लो क्या हुआ, बाबा जी जिंदगी खतरे में आ गई थी गैस जिंदगी, बट हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए अकल इस्तेमाल करते हुए। बहुत ज़्यादा जिंदगी खतरे में आ गई थी, मेरे को लगा बस मरे और यहाँ पे मर जाते ना गैस, 5-6 प्लस से ज़्यादा प्लस ना होते, बट अल्हम्दुलिल्लाह क्या तो बचे। जब आपकी लिखी होती है आपकी तभी आती है भाई, बहुत खुशी हुई थी गैस जब यहाँ पे बचे थे। उसके बाद गैस आखिरी बंदा बचता और वहाँ पीछे भागा था तो हम नेट की कर देते हैं बरसात उस पर, और वो बेचारा शायद से नेट कर रहा था, पता नहीं उसका इंटरनेट चला गया या क्या इशू हुआ। फिर जो होता है वो आप ही देख लो। दो नेट के बाद भाई साहब ने कुछ ऐसा किया कि हम लोग हैरान हो गए, और वो ऐसा ये था 1 2 3 ओके हो जा। बाबा जी हमें बस फ्री का चिकन मिल गया और भाई अपने नेट से मर गया पता नहीं कैसे। तो भाई ये था एक गेम प्ले, बट अब कॉन्करर का गेम प्ले है थोड़ा टेंस है, तो मैं एक तो लेके नहीं आऊँगा आपके लिए। हम एक और गेम प्ले लेके आए थे क्योंकि इतने ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं, गेम प्ले अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था तो एक और गेम प्ले आपके लिए लेके आया था। लेकिन ये वाला गेम प्ले गाइस बहुत हार्ड गया था, 2-man स्क्वाड खेलना, ऊपर से ऐसी लॉबी में खेलना जिसमें अरबी भी आए हों टॉप के प्लेयर्स और पाकिस्तानी भी टॉप के आए, लेकिन नेक्स्ट लॉबी जो आई गाइस वो इससे भी ज़्यादा हार्ड थी। तो गाइस नेक्स्ट मैच में जो हमारी लॉबी आई थी, पहले मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई नहीं गाइस, जो नेक्स्ट मैच में हमारी लॉबी आई थी ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, और आप देख सकते हो पूरे यूके में ये बंदा #4Terminator था और लॉबी में भी इस तरह कॉन्करर और ओवर अचीवर भरे पड़े थे बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने फैसला किया कि दोबारा से हम ना एकदम सेफ खेलेंगे और हम जाते हैं हमेशा जॉर्जो की सिटी जाते हैं ज़्यादातर, लाइक 90% हम लोग जॉर्जो की सिटी जाते हैं, क्योंकि एक सिटी होती है ऐसी, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप इजीली निकाल लेते हो। कंटेनर पे अगर हम जाएंगे ना तो गाइस वो स्प्रे करके डाउन कर देना और फिर माइनस कोई भी नहीं खाना चाहता, तो इसलिए मांगे थे जॉर्जो की सिटी। और हमने ना लाइक बांट रखी है जगह के, यहाँ यहाँ ये बंदे लूट करेंगे। उसके बाद लूट कम थी तो हम आ जाते हैं जॉर्जो पुल रश करने, और यहाँ पर आई गेस वही टीम थी जो जिनका प्लेन था यूके में #4Terminator और उसके बाकी टीममेट्स जो कॉन्करर पे थे। तो अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा क्लोज, यहाँ पे मेरी टीम हमारी एक टीममेट हो जाती है नॉक, जुबी ने दूसरे को नॉक किया और फिर हमारे दूसरे टीममेट भी नॉक हो जाएंगे, फिर हम दो बंदे बचेंगे। और स्प्रे गैस वो स्प्रे कर रहा था और मैं क्या किया क्राउच करके उसको मारा, अगर मैं खड़े होकर मारता तो वो मुझे भी उसी स्प्रे में ले जाता और फिर ये बंदा बचता है, इनका ये पीछे भागता है, जुबी ऊपर से चेस करता है, मैं नीचे से चेस करता हूँ। और बाबा जी यहाँ पर ये गैस आई गैस ये वही वाला स्क्वाड था जिनका प्लेन था लाइक #4Terminator वाला, और यहाँ पे हमें मिलती है फ्लेयर गन हमारी पिचकारी। और पहले देखो भाई गैस लूट पहले, टीममेट को रिवाइव बाद में, क्योंकि लूट का नो मजाक, अगर हम रिवाइव देंगे तो हमारी लूट उठाने वाले हो। मज़े से जा रहे थे गैस अपनी गधा गाड़ी में और यहाँ पे चलती है कार 98 और यहाँ पे आई गैस पाकिस्तान स्क्वाड ये लोग हमें बुला लेते हैं। और फिर हम लोग लाइक स्क्वाड था तो मुझे लगा कि ये एक दो बंदे होंगे, दूसरे में यहाँ पे मारने के लिए रुक गया क्योंकि ऐसी जगह पे सेफ और डर के खेलने वाले बंदे बैठे होंगे, ऐसी बात है। तो नेट हुआ था, दो बंदे हमारे नॉक हो गए थे और फिर मैं नेट निकाले कुक किया, मैं पीछे नहीं जा सकता था, मैं ट्राई करता कि किसी एक को नॉक करूँ और अपने टीममेट्स की हेल्प कर लूँ यहाँ पे, और मैं उसी में कोशिश कर रहा था। एक बंदा हमारे टीममेट पीछे रिवाइव दे रहे थे बाकी दो प्लेयर्स को, यहाँ से मैं इसको AR से भी नॉक कर सकता था गाइस, बट मेरे हाथ में नेट कुक था तो मैंने पे एक नॉक दिया और पीछे आके हम अपनी टीम को दोबारा से खड़ा करेंगे अपनी टांगों पे, क्योंकि जो
अगर हम किसी को भी लूज़ कर देंगे तो एक तो रैंक माइनस होगा, दूसरा आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और गैस यहाँ पर ना टॉप के प्लेयर्स आए हुए थे इस लॉबी में ना, लाइक पाकिस्तान के जो फेमस क्लैंस हैं ना उनके सारे मेम्बर्स आए हुए थे। अब लोग और से नाम देखते रहना। तो उसके बाद गैस जब हम लाइक कार्नेडेट से मैंने एक नॉक दिया था, वो शायद मैं कट कर दिया लॉल, और फिर ऊपर जाके जूबी मार देता, ये वाला स्क्वाड हो जाता है वाइप। अभी सुबह एडिट कर रहा हूँ ना, सैरी भी करनी थी और वॉइस ओवर भी करना था। मैं जस्ट सैरी करके बैठा था और मैं लाइक वॉइस ओवर करने लग गया, और सुबह ही आपको वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने गाड़ी से स्प्रे दिया, ये गाड़ी पता नहीं शायद जॉर्जो सिटी की लूट करके आ रही थी, फिर हमने यहाँ पे फिनिश किया। अब आपने गौर से देखा होगा कि गाड़ी के हमेशा ना आगे स्प्रे दिया करो गाइस। गाड़ी के ऊपर स्प्रे मारोगे आपकी बुलेट वहाँ तक जाती जाती, गाड़ी क्योंकि चल रही होती है आपकी बुलेट मिस हो जाएगी। तो गाड़ी के आगे रखो, लाइक थोड़ा सा आगे रख के फायर करो, क्योंकि गाड़ी भी मूव कर रही है और आपकी बुलेट भी ट्रैवल कर रही है। तो लाइक उस हिसाब से ना, अब मैं एडबॉल खेलता था ना, तो ट्रिक शॉट्स मारते थे, तो उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करके ना थोड़े से ऐसे काम करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा आगे रख के शॉट्स दो ताकि गाड़ी चल रही है और आपकी बुलेट भी ट्रैवल करे और परफेक्ट जगह पे जाके बंदे को टच करें। तो उसके बाद गैस ये लोग रुक गए थे, एक को तो हमने फिनिश कर दिया। अब मैं एकदम लॉन्ग फ्लैंक करके आ जाता हूँ। एक टीममेट आपका ऐसा होना चाहिए जो चुप करके ना बस साइड से निकले और जाके अब जो है ना उनको डिस्टर्ब करे। आप देख सकते हो वो लोग वहाँ पे रुके हुए थे, रोड पे रुक गए थे, वो जब उनका एक टीममेट गिरा वो जा नहीं रहे थे और वो सीमेंट्री के पास आके रुक गए थे। मैं एकदम लॉन्ग फ्लैंक करके उनके ऊपर रोटेशन लेके यहाँ पे आ गया। अब मुझे नहीं पता ये हेडशॉट लगा क्यों नहीं, बट यहाँ पे हमारी थोड़ी बेस्ती सी हो गई। यहाँ पे मैंने बॉडी शॉट मारा, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी थे इनके, ये लोग स्प्लिट थे, लेकिन मेरे एक फ्लैंक की वजह से गए डिस्टर्ब हो गए बहुत ज़्यादा। अब मैं इन दोनों बंदों को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया और ये मेरी साइड से भाग के जूबी लोगों के सामने चले गए और वहाँ से मेरे टीममेट्स इनको मारने लगे, क्योंकि ये एक छोटी सी कवर के पीछे थे। गैस ये लोग एक छोटी सी कवर के पीछे थे तो इनको ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी फायर लेने में इतने अलग अलग एंगल से, तो इसलिए ना एक बंदा फ्लैंक करना चाहिए आपका। उसके बाद गैस वहाँ से भी स्क्वाड हाउस की दोबारा वाली स्क्वाड क्लियर करके हम लोग आ जाते हैं बानोस में। फिर हम लोग गैस पता क्या करते हैं, जब सर्कल थोड़ा बड़ा होता है ना एजेस खेलते हैं, सुकून से वेट करते हैं, और जब सर्कल छोटा हो जाता है ना फिर एकदम मिडिल में आके रश कर देते हैं, मिडिल वाली जगह ले लेते हैं ताकि बार बार सर्कल हम पे बने। तो हमने फ्लेयर चलाई थी और बाबा जी हम पे हो जाता है रश, और ये स्क्वाड ना बेस्ट स्क्वाड था गैस, बहुत अच्छा स्क्वाड था ये। और यहाँ पे ये लोग गाड़ी रुकती है, हमारी एक टीममेट अकेली थी, तो मैं फ़ौरन से वापस से फ्लैंक करके उस टीममेट की तरफ चला गया था ताकि वहाँ जाके जो है ना लाइक नॉक हो जाए तो रिवाइव मिल सके। दो दो रहेंगे, अगर हम में से कोई भी अकेला रह गया तो वो नॉक एंड फिनिश हो जाएगा। तो बाबा जी थोड़ा सा मैंने गलती कर दी थी अपना एडीएस खोल के, लेकिन उस बंदे ने जो MK-14 से मारा ना, उसको पता भी नहीं था मैं यहाँ पर, अचानक से उसने इतना गंदा स्प्रे दिया ना गाइस, तो मैं फौरन से करता हूँ फॉल बैक और मेरी टीममेट भी होते हैं नॉक, फिर इनको रिवाइव देंगे। और पैनिक हो गया था मैं यहाँ पे, रिवाइव की जगह ना हेलमेट उठा लिया, वापस से ड्रॉप किया, और उसके बाद मैं एम करके बैठा था सीढ़ियों पे। देखो अपना एम ना सीढ़ियों पे रख लो, और अगर एनिमी आता है ना आप रिवाइव कैंसिल नहीं भी करो, अगर आप फायर बटन पे क्लिक करोगे रिवाइव खुद को छोड़ देगा और आप शूट करने लगोगे। तो मैंने इसलिए एम रख लिया था सीढ़ियों पे, अगर कोई आता है मैं तो रिवाइव कैंसिल करने में टाइम लगता है ना, कैंसिल पे टैप करो फिर फायर करो, अगर आप सिंपल फायर करोगे ना तो भी आप ना मारने लग जाओगे। फिर मेरी टीममेट ने यहाँ पे नॉक दिया, मैं फौरन से नेट नीचे फेंका उस बंदे को कन्फर्म किया। अब हमारे जुबी भैया हो जाएंगे साइड से नॉक, और दो बंदे बचते हैं इनके। जब मैंने एक गैस एक नॉक दिया और उसके बाद अच्छा दो नॉक थे गैस, यहाँ पे दूसरा बंदा भी चला, और फिर गैस जंप करके यहाँ पे आखिरी बंदा नज़र आता है मुझे, हमारे दो बंदे नॉक कर देता और ऑलमोस्ट मुझे भी ये नॉक कर देता, बहुत अच्छा मार रहा था ये। और फिर मैं यहाँ पे जंप करके मुझे उसका हेड नज़र आया, फिर मैं उसी साइड जाके उसको मारा। उसके बाद गैस सर्कल हमसे निकल जाता है, और अब हम लोग क्या करते हैं कि मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ आप लोग अलग गाड़ी में रहो, मैं अलग में, मैं सबसे पहले आगे आता हूँ, क्योंकि नहीं पता था कितने बंदे कहाँ हैं। तो लाइक मैं अकेला आके रुका और बाद में टीममेट्स को बुलाया, यहाँ पे ये स्क्वाड था, जरा सा हेड दिखाया मेरे भाई ने और हमने कान के नीचे लगाया, भाई को नॉक किया। और अपने टीममेट को बोलूँगा कि भैया आप गाड़ी लेके जाके रश करो और मैं लाइक आता हूँ ओपन से, क्योंकि लाइक अगर वो लोग सबके सब आ जाते ना गाड़ी वालों को मारने के लिए तो मैं थोड़ा दूर होता और मैं इनको कवर दे पाता, या अभी विंडो से इनको कोई मारता तो मैं कवर दे देता, इसलिए मैं पीछे रुका था। अब गए वो लोग चले जाते हैं एकदम बैक साइड पर, ये बहुत अच्छा प्लान था। तो अब हम यहाँ पर नेट वगैरह करेंगे इनके ऊपर, एक नेट किया विंडो में, दूसरा नेट किया दूसरी विंडो में, और ये निकल के पीछे वाली वॉल्स पे जा चुके हैं। अच्छे प्लेस की गाइस ये निशानी होती है, वो आपको जरा सा भी टाइम नहीं देते, उनको पता था नेट आएंगे तो वो घर के पीछे चले जाते हैं, और मुझे गन ग्लिच होती हुई नज़र आ रही होती है। मैं ट्राई करता हूँ क्या पता नेट ना बाउंस होके घर के बाहर जाए और वहाँ जाके मुझे नॉक मिले, बट ऐसा नहीं होता।
तो गाइस ये वाला स्क्वाड भी हम बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है मुझे कोई किल नहीं मिलता, बट मैं अपने टीममेट्स की हेल्प ज़रूर करता हूँ। उसके बाद दोबारा से मैंने वही काम किया, अकेला रिस्क लिया, गाड़ी आके जोन में ऐसी जगह रोकी जो सबसे ज़्यादा हाइट पे थी, और गाड़ी का बना दिया हमने दो जगह कवर। उसके बाद ये स्क्वाड भागता हुआ नजर आता है पैदल, मैं ओम से शॉट मारने के बाद, गाड़ी नहीं है, मैंने वो बोला था गाइस गाड़ी होनी चाहिए, देखो ये फंस गए एकदम, इन लोगों का गाड़ी नहीं है। मैंने ओम का बॉडी शॉट मारा, उसको स्प्रे देंगे अपनी अंकुर से, यहाँ पे भाई को किया नॉक और इसके पूरा स्क्वाड ओपन में है गाइस। ये हमने दिया दूसरा नॉक, अब इनके एक बंदा वो देखो गाइस पत्थर के पीछे आ चुका है 255, लेकिन मेरी हेल्थ कम है तो मैं पहले यहाँ पे हील करूँगा। अब हम मज़े से करेंगे हील, और एक नॉक मेरा आई गेस अभी भी नॉक ही पड़ा हुआ था, यहाँ पे मुझे ऐसा किल मिल जाता है, और अब एक ही बंदा बचता है तो हम चारों के चारों अलग अलग एंगल से उसको पिकअप कर देते हैं नॉक भी राइट, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन पता थी। और फिर हमें मिलता है विनर, विनर चिकन डिनर इतनी हार्ड लॉबी में भी बाबा जी। बाकी दुआ करो गाइस मैं मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कॉन्करर हो जाए तो मज़े आ जाएंगे, और फिर ऐसे ही आपको हार्ड लॉबी का कॉन्करर गेम पे मैं ला के आपको लाइक दिखाता रहूँगा, खेलूँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा भी ज़रूर, और बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, सपोर्ट करते रहना, और बहुत 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 शुक्रिया, हमारे 6 लाख फैमिली कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए बहुत शुक्रिया। बाकी मेरे को एक बात बुरी लगे तो गाइस माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना। बाबा जी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।